अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी प्यारी फैमिलीज, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा जी, तो आज मैं बना रही थी पेशावर की फेमस डिश है और चिकन जर्सी कढ़ाई रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी और बहुत जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी है। कम टाइम में बनती है और कम इन्ग्रीडियंट्स में बनती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें इन्ग्रीडियंट्स बहुत कम है। तो मैंने लिया 1200 ग्राम का चिकन और इसे स्मॉल साइज़ के पीसेस कट करवा लिया है। 1/2 kg मैंने टमाटो लिया है, 8-10 अदद ग्रीन चिली, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। और अब मैं इस कढ़ाई में डालूंगी, इतना ऑयल डालना है कि हमारा चिकन इसमें डीप फ्राई होना है, और डीप फ्राई करने के लिए मुझे ऑयल तो इसमें ज़्यादा डालना है। तो इसमें डीप फ्राई करें चिकन को, और पहले गैस का फ्लेम हाई रखें ताकि हमारा चिकन जब पानी अच्छे से रिड्यूस हो जाए, चिकन में से पानी निकल जाए और ड्राई हो जाए। अब देखिए चिकन में का कलर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी साल्ट, आप अपने टेस्ट के हिसाब से साल्ट ऐड डालें और इसको फ्राई करें। और 2 मिनट के लिए, थोड़ा सा चिकन को पकने के लिए मैं रखूँगी कवर करके। अब ये देखिए चिकन हमारा गल भी रहा है, साथ में फ्राई भी हो रहा है बहुत अच्छा सा। अब इसमें टमाटो डाल दूँगी और टमाटो को 1/2 पीस कर लें। अब इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर दें। अब इसे कवर कर दें 2 मिनट के लिए। और जिंजर गार्लिक पेस्ट में 2 टेबल स्पून मैं पानी डालूंगी और इसे मिक्स करके रख लें। देखिए टमाटो की स्किन हमारी अलहदा हो रही है इसमें से, तो स्किन को रिमूव कर दें। और जितना ऑयल, अब हमारा ये फ्राई हो चुका है चिकन भी, और जितना ऑयल एक्स्ट्रा है उसे निकाल दें। चिकन में जितना ऑयल हमें ग्रेवी के लिए चाहिए बस उतना ही रखें। अब चिकन को हम अच्छी तरह से इस तरह से ड्राई कर लेंगे और इसमें अब डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। बस इतना पकाना है कि हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छी तरह से कुक हो जाए इसमें। बस चिकन हमारा रेडी है। बहुत ही कम टाइम में, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ये रेसिपी बनती है। तो आप भी ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, कम टाइम में कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली रेसिपी। तो बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बन के तैयार होती है, तो आप भी बनाएं। आपको ये रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ। हमारा एक चैनल और भी है, और परवीन आज़म रूटीन ब्लॉग के नाम से है, तो वहाँ भी आप विज़िट करें, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।